अच्छा बच्चों, ये बताइए कि जो माला बनती है वो कैसे बनती है, किससे बनती है माला? फूलों से। हाँ, फूलों से माला बनती है ना, सबको पता ना फूलों से माला बनती है। ऐसे ही जिस तरह से फूलों को जोड़ के, फूलों को पिरो करके हम एक माला बनाते हैं, उसी तरह से अक्षरों की भी एक माला होती है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। हाँ, अक्षरों की एक माला होती है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अक्षर से अक्षर को जोड़ करके उसकी एक माला तैयार होती है, उसे वर्णमाला कहते हैं। तो आज हम आपको उसी वर्णमाला के, अक्षर से जो वर्णमाला तैयार होती है, हम उसके बारे में आप सबको बताएंगे, ठीक है? तो फूल फूल पिरो कर जैसे बनता है एक वर्णमाला, फूल फूल पिरो कर जैसे बनता है वर्णमाला। ठीक, कैसे? फूल फूल पिरो कर जैसे बनता है एक माला, अक्षर अक्षर जोड़ कर बच्चों कहलाता वर्णमाला, फूल फूल पिरो कर जैसे बनता है एक माला, अक्षर अक्षर जोड़ कर बच्चों कहलाता वर्णमाला। खेल खेल में सिखाए स्वर व्यंजन का भेद, खेल खेल में सिखाए स्वर व्यंजन का भेद, ऐसे तुम भी रहो एक साथ कहता है वर्णमाला, ऐसे तुम भी रहो एक साथ कहता है वर्णमाला। अच्छा बताइए, आ आ बच्चों, बोलो बोलो संग मेरे, आ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अं आहा, आ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अं आहा। ठीक है, ये क्या है? 12 स्वर हैं, ठीक है? तो अ से क्या होता है? अनार। आपको तो बहुत पता है सब लोगों को कि अ से अनार होता है, और अनार किसने किसने खाया है? हमने। सबने खाया है ना अनार? किसको अच्छा लगता है? अनार अच्छा लगता है खाने में, है ना? स्वाद अच्छा होता है ना। और आ से क्या होता है? आम। और आम किसको अच्छा लगता है खाने में? बहुत। मुझे। और आम लोग किस मौसम में खाते हैं प्रांजल, बताइए? गर्मियों में। गर्मियों में खाते हैं अंशिका, है ना? हम लोग आम कब आता है? गर्मियों में आता है, और आम तो सबको बहुत पसंद है ना? तो अ से आम, अनार। अ से अनार, और आ से आम। हाँ, तो अ से क्या आएगा? अनार। और आ से आम। और इ से क्या होता है? इमली। इमली का नाम सुनते तो सबके मुंह में पानी आता है ना? खट्टा खट्टा सा होता है स्वाद, है ना? तो ई से इमली। और ई से क्या होता है? ईख। और ईख पता है किसे कहते हैं? गन्ना। और गन्ने से शक्कर भी बनती है। हाँ, शक्कर से हाँ चीनी भी बनती है अंशिका। शक्कर चीनी एक ही चीज है। हाँ, शक्कर भी उसे कहते हैं, चीनी भी आप वैसे ही कहते हैं, ठीक है? शक्कर हाँ, गन्ने का रस भी हम लोग पीते हैं। अंशिका को तो भाई बहुत मालूम है ना अंशिका? हाँ, ई से ईख। और उ से क्या होता है? उल्लू। उ से उल्लू। और उल्लू हम लोग कब देखते हैं? रात में। हाँ, रात को उल्लू रात में दिखाई देता है ना? और उ से क्या होता है? ऊन। उ से ऊन। माँ आप लोग के लिए स्वेटर बनाती है ना? और जब आप लोग को जाड़ा लगता है तो क्या करते हैं? जाड़ा लगता है तो क्या पहनते हैं? स्वेटर। जाड़ा लगता है तो स्वेटर पहनते हैं ना? तो वो स्वेटर किससे बनता है पता है आपको? ऊन से। हाँ, तो ऊ से ऊन। और फिर ओ से क्या होता है? ओखा।
मसाले कूटे जाते हैं ना, बड़े भी ओखली होती हैं, छोटी भी ओखली होती हैं, उसमें हम लोग मसाला कूटते हैं, कई सारी और चीजें करते हैं, तो ओ से ओखली और ओ से क्या होता है? औरत। हाँ, ओ से औरत, ठीक है। तो अ से क्या होता है? अनार। अनार, हाँ, अ से अनार। और अंगूर अंग से होता है, किससे? अंग। हाँ, किससे? अंग से अंगूर। और अंगूर किसको पसंद है? मुझे। आपको पसंद है आस्ता अंगूर? हाँ। और जानवी को? जानवी, अंगूर अच्छा लगता है? हाँ, अंगूर तो सबको बहुत अच्छा लगता है ना, अंगूर पसंद है सबको। तो अ से, अब इसमें देखिए, अ से अनार। हाँ। और आ से आम। उसके बाद ई से इमली। ई से ईख। ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। ए से एकारा। ए से एनी। हाँ, और ए तो हम आपको बताना ही भूल गए थे, ए से एक तारा। हाँ, ए से एक तारा भी होता है, और ए से एड़ी। एड़ी कहाँ पर होती है? पैर। जानवी, एड़ी कहाँ पर होती है? ये, इसे एड़ी कहते हैं ना जानवी। ए से एड़ी। ए से एक तारा, है ना। एक तारा हम लोग गाने में, जब गाना गाते हैं तो गाने में काम आता है। और ऐसे क्या होता है? ऐनक। हाँ, ऐसे ऐनक। ऐनक का मतलब क्या होता है? चश्मा। हाँ, ऐसे ऐनक मतलब चश्मा। चश्मा देखा है ना आप लोगों ने, चश्मा पहनते हैं। ऐसे ऐनक। फिर ओ से ओखली। अ से औरत। हाँ, तो क्या होता है? अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं आ। हाँ, तो अ से अनार। आ से आम। ई से जानवी, क्या हुआ? बैठी है। ई से इमली। ई से ईख। हाँ, उ से उल्लू। उ से ऊन। हाँ, ए से एतारा। हाँ, एक से, ए से एक तारा, और एड़ी। ऐसे ऐनक। ओ से ओखली। अ से औरत। अंग से अंगूर। और आ से ठीक है। तो अब बच्चों, आप लोग ये जो स्वर है, इसके जो है आप लोग और भी, इस स्वरों से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, अ से आ से कौन कौन से स्वर बन सकते हैं, आप लोग करके आइएगा। अगली बार हम आपसे सबसे पूछेंगे, ठीक है।